आप फिल्म राइटर बनना चाहते हैं, कहानियां लिखना चाहते हैं, शॉर्ट फिल्म स्टोरीज लिखना चाहते हैं, वेब सीरीज लिखना चाहते हैं, तो आज का फिल्मी फंडे है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं राइटर्स के लिए। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एक्टर्स का डेली रूटीन क्या होना चाहिए, तो मेरे पास आया कि राइटर्स के लिए भी बताइए कि भाई डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। ये प्रैक्टिस मैं भी फॉलो करता था और मुझे इससे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैंने भी राइटिंग की काफ़ी समय तक और आज भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ लिखता रहता हूं। तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है, इसको अगर आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे राइटर बन जाएंगे। और अब तो राइटर्स के लिए बहुत सारे मौके आ गए हैं, बहुत सारे उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं जब से डिजिटल मीडियम आया है। तो राइटर को क्या क्या करना चाहिए, और ये कोई भी कर सकता है, आपकी उम्र कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, रिटायर्ड हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करके एक अच्छे राइटर बन सकते। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो सुना तो होगा लेकिन समझा नहीं होगा कि कैसे करते हो। पहला है, आपको रोज रीडिंग करनी है। रीडिंग करना बहुत जरूरी है। क्या रीड करना है, वो कुछ भी हो सकता है। आप बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़िए। आप शेर व शायरी की पढ़ सकते हैं, कविताएं पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ रोज पढ़िए कि ये नहीं कि अरे यार नॉवल पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई नहीं, एक 5-6 पन्नों की जो कहानी होती है वो पढ़ लीजिए, कोई भी स्टोरी पढ़िए चलेगा, लेकिन पढ़ना रोज है। कैसे पढ़ना है, लाउडली पढ़ना है। आप जो अभी तक रीडिंग करते आए हैं वो कैसे करते हैं, हम लोग मन में करते हैं, मतलब कुछ बोलते नहीं है। बोलना क्यों जरूरी है, बोलना इसलिए जरूरी है कि जो शब्दावली, जो वोकैबुलरी आप यूज करते हैं वो बहुत लिमिटेड है। अब आप जब कहानी पढ़ते हैं तो उसमें नए नए शब्द आते हैं, अब शब्द मन में आते हैं बस चले जाते हैं, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके माइंड में स्टोर नहीं होते। लेकिन जैसे ही हम पढ़ते हैं और बोलते हैं तो वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस, उस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं, क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये भी होगा कि कभी भी आप किसी को नरेट करेंगे तो कोई भी शब्द आपको अटपटा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसको बोला हुआ है। तो लाउडली पढ़ना है, मतलब कि रीडिंग तो करनी है, डेली करनी है, लेकिन लाउडली करनी है। बेनिफिट तभी मिलेगा, अगर मन में किताब पढ़ी तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। सेकंड प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ये तो हम सभी जानते हैं कि आपको इमेजिन करना होता है एक अलग सी दुनिया, एक अलग सा करेक्टर। तो रोज कोई भी एक सिचुएशन, मैं कहानी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहानी हो सकता है एक बार में आप इमेजिन नहीं कर पाए, और कहानी तो अपने आप आती है, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिनेशन में आपको क्या करना है कि एक इस तरह की चीज़ है, इस तरह की लोकेशन है, उसमें इस तरह का एक किरदार है, ऐसा बस इमेजिन करना है। वो किरदार क्या क्या कर रहा है, वो क्या क्या क्रिएट कर रहा है, उसका एक्शन क्या है, वो क्या बोल रहा है, फिर अपोजिट जो करेक्टर है वो क्या बोल रहा है, वहाँ पर जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, ये सारा इमेजिन करिए। 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं। एक सीन भी इमेजिन करेंगे तो भी चलेगा, एक करेक्टर को इमेजिन करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बस इमेजिन करना ज़रूरी है कि क्या हो सकता है। कोई भी इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाइए। आप सोच सकते हैं कि भाई अगर मान लो कुछ 5 दोस्त हैं, वो जंगल में फंस गए हैं और उनमें बहस हो रही है। अब इमेजिन कीजिए कौन सा किरदार क्या क्या बोल रहा होगा, छोड़ दीजिए। दूसरे दिन आपने प्रैक्टिस की कि 4-5 दोस्त हैं, पार्टी कर रहे हैं और शराब पीते पीते सब में लड़ाई हो गई और एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। इमेजिन कीजिए, कुछ भी इमेजिन कीजिए, लेकिन इमेजिन रोज कीजिए। इमेजिन कीजिए कि एक कपल है, वो उनमें सुबह झगड़ा हुआ है और पति रात को भी बहुत गुस्से में आता है और देखता है तो अब वाइफ जिंदा ही नहीं बची, तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कुछ अलग सा, ये सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। इससे हो सकता है कहानी बन जाए बाद में, लेकिन कहानी बनाने के लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ इमेजिन करेंगे और डेली करेंगे। तीसरा काम करना है राइटिंग, डेली आपको लिखना है। अगेन डरिएगा मत कि रोज कहाँ से कहानी लाएंगे, आपको राइटिंग करनी है। सिंपल ये भी कर सकते हैं कि जो आपने सीन या सिचुएशन इमेजिन की है उसी को लिख लीजिए। लिखने से क्या होता है, अगेन हमने जब लिखा ना उसको, जो सोचा था वो शब्द जो स्टोर हुए हैं, जो सिचुएशन आई है उसको डिटेल में लिखेंगे आप। जैसे मैंने बोला कि एक सिचुएशन है कि लोग पार्टी कर रहे हैं और फिर वो ड्रिंक करते हैं, उनके बाद एक लड़ाई हो जाती है और हादसा हो जाता है। अब इसको जब लिखेंगे तो कम से कम आप आधा पेज एक पेज तो लिखेंगे, इससे लिखने की हैबिट पड़ जाएगी, मतलब आप हैबिचुअल राइटर बन जाएंगे। अगेन बोल रहा हूँ, ये मैं कहानी लिखने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप एक सीन भी लिख सकते हैं लेकिन लिखना, एक करेक्टर का एक मोनोलॉग भी लिख सकते हैं लेकिन लिखना। और अगर आप कोई मोनोलॉग लिख लें तो जॉइंट फिल्म्स को भेज दीजिएगा, ताकि जो एक्टर है उनका बेनिफिट हो जाए, तो वो भी अच्छा हो जाएगा कि वो आपके मोनोलॉग पर प्रैक्टिस करेंगे। तो लिखना जरूरी है डेली,
मतलब भले आप लैपटॉप पर लिखें, डायरेक्ट आप कॉपी पेन लेके लिखें, लेकिन लिखना रोज जरूरी है। अब आता है पॉइंट कि नरेशन। नरेशन हर राइटर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट अगर कोई पढ़ता है तो वो उतना बेहतर नहीं समझ पाता जितना कि आप उसको बेहतर नरेट कर पाते हैं। नरेट करने का मतलब होता है कि आप पूरे ड्रामेटिक वे में उसको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ एक्ट करते हुए, सेमी एक्ट करते हुए सारी चीज़ें बताएं। इसके लिए भी आप प्रैक्टिस अपने घर से शुरू कर सकते हैं, मतलब कि घर पे ही रहते हुए आप जो स्टोरी बुक होती हैं, नॉवल्स होते हैं जिनमें कहानी होती है, उसको स्टोरी टेलिंग वे में पढ़ना शुरू कर दीजिए और फिर मोबाइल पर रिकॉर्ड करिए कि जैसे कि आप सुना रहे हैं, या आपकी ही जो कहानी है उसको आप नरेट कीजिए और मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए, खुद भी सुनिए, अपने दोस्तों को या घर वालों को सुनाइए और देखिए क्या वो आपकी कहानी को समझ पा रहे हैं या कुछ क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं इसका मतलब कि कहानी में कोई कमी है। ये नरेशन की प्रैक्टिस भी आप अपने घर में रहते हुए ही कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है न्यू वर्ड्स कलेक्शन। नए शब्दों का कलेक्शन कीजिए। आप एक या तो फाइल बना लीजिए अपने कंप्यूटर पे या फिर एक डायरी ले लीजिए स्पेशली कि जो भी मैंने स्टोरी पढ़ी या किसी भी जगह से मुझे दो नए शब्द मिले हैं उनका पहले तो मैं मतलब अंडरस्टैंड करूं और उनको लिख लूं और फिर उसको डेली लाइफ में यूज करना शुरू कीजिए, ताकि जब भी आप कहानी लिखने बैठें तो वो शब्द आपको ध्यान में रहे, आप उनका इस्तेमाल कर पाएं, ताकि जो आपके डायलॉग्स हों, आपकी जो कहानियां हों उसमें शब्द अगर अच्छे होंगे ना तो जान अपने आप आ जाएगी और सबको पसंद भी आएगा। ये प्रैक्टिस ज़्यादातर राइटर नहीं करते हैं। मैं बहुत सारे राइटर से मिलता हूँ, उनके अंदर ये डेली रूटीन हैबिट होता ही नहीं है, और मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ ये हैबिट मेरी थी और इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। जॉइन फिल्म्स एकेडमी में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस काम को करते हैं, उनको भी बहुत इससे हेल्प मिलती है। अगर आप फिल्म राइटिंग को, फिल्म फॉर्मेट को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी में ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसमें कि 3 महीने लगातार आप मेंटर के साथ सीखते हैं कि फिल्म स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है। वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, आप उससे भी सीख सकते हैं, लेकिन उसको सीखने के साथ साथ इस प्रैक्टिस को भी करना बहुत ज़रूरी है। एकदम कमिटेड हो जाइए, क्योंकि विदाउट कमिटमेंट आप ये कर नहीं पाएंगे। इसके लिए आपकी डिपेंडेंसी किसी भी व्यक्ति पे नहीं है, आप ये काम खुद कर सकते हैं, इसमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप राइटर हैं तो मुझे उम्मीद है आपको इससे बहुत हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस प्रैक्टिस को कब से करना शुरू कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस आपके लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। अगर आपको लगता है फ़ायदेमंद नहीं है तो बिल्कुल बताइएगा, ताकि मैं आगे से ऐसे वीडियो ना बनाऊं। और अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक्टर बनना हो, राइटर बनना हो, डायरेक्टर बनना हो, कुछ भी आपको अगर फिल्म इंडस्ट्री में बनना है तो उसके लिए यहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है। कोई भी माइंड में क्वेश्चन रह जाए तो उस क्वेश्चन को यूट्यूब के सर्च बार में टाइप कीजिए, साथ में जॉइन फिल्म्स लिखिए, आपको आंसर के लिए एक ना एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। नहीं मिले मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I can even join film.